देख रहे हैं VS Nation, आपका अपना हिंदी न्यूज चैनल। दोस्तों, म्यूजिशियंस को जोड़कर इसरा बना इसामरा। जी हां दोस्तों, अब इंडियन सिंगर्स राइट एसोसिएशन अब बन गई है इंडियन सिंगर्स एंड म्यूजिशियंस राइट्स एसोसिएशन, यानी कि इसामरा। इसी मौके पर संस्था के CEO संजय टंडन क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, आइए सुनते हैं। बता दूं पहले कि इसरा जो है वो केवल 10 साल का है, तो जो ये पूरी यात्रा जो शुरू हुई वो छोटी यात्रा नहीं थी। 1990 से ये जद्दोजहद शुरू हुआ है। 1990 से यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं उसमें लता जी भी थी, अलका जी भी थी, सोनू जी तो हैं यहाँ, हम सब ने मिलकर, और ये देखिए ये सब ये उस जमाने का फोटो है, 1990 का फोटो है, जब हम सब एक होकर इस चीज को आगे ले रहे थे कि सिंगर्स को भी उनका हक मिलना चाहिए। ये फोटो उस टाइम की है जब कुछ नहीं था, जब केवल एक सपना था, एक डिजायर था कि नहीं, सिंगर वोकल इंस्ट्रूमेंट तो कतई ही नहीं है, तो हमको इसके लिए जद्दोजहद लड़ना पड़ेगा। और ये हमें 20 साल लग गए करने में। 1990 से जो शुरू हुआ ये जद्दोजहद, 20 साल, 2012 में हम सफल हुए कानून में तब्दीली कराने में। कानून में जो हमारा कॉपीराइट एक्ट है उसमें हमने तब्दीली कराई और बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट ने ये तय किया और ये लॉ पास किया, कानून पास किया 21 जून 2012 में कि सिंगर का गाया हुआ गाना या म्यूजिशियन का बजाया हुआ वो ट्रैक कहीं भी कॉमर्शियली बजेगा तो उसका मुआवजा, उसकी रॉयल्टी उस तक पहुंचनी चाहिए जैसे कि किसी कंपोजर और किसी राइटर को जाती है, क्योंकि वो भी उस गाने का, उस ट्रैक का कंट्रीब्यूटर है। इसके पहले 2012 के अमेंडमेंट से पहले कॉपीराइट एक्ट के तहत ये माना जाता था कि सिंगर इज अ वोकल इंस्ट्रूमेंट, तो 2012 में 22 साल के बाद ये धारणा समाप्त हुई और ये कहा गया कि नहीं, सिंगर को भी रॉयल्टी मिलनी चाहिए, वो भी कंट्रीब्यूट करता है किसी गाने में, उसका गाया हुआ गाना अगर कहीं कॉमर्शियली एक्सप्लॉइट हो रहा है तो उसको उसकी रॉयल्टी मिलेगी। मतलब रेडियो पे बज रहा है गाना, टेलीविजन पे बज रहा है गाना, OTT प्लेटफॉर्म पे बज रहा है, यूट्यूब पे बज रहा है, सब जगह जहां भी बज रहा है, जहां वो गायक अपने वाणी का, अपने वॉइस से लोग का मनोरंजन कर रहा है, जिस पर लोग कमा रहे हैं उस पर उसका भी थोड़ा हक बनता है, उसकी भी रॉयल्टी बनती है। ये नहीं कि 50-50 पार्टनरशिप हो जाए, ये कोई नहीं कह रहा है, मगर रॉयल्टी जैसे कि हम हिंदुस्तान में सुनते आ रहे हैं कि रॉयल्टी फॉरेन आर्टिस्ट, फॉरेन में तो रॉयल्टी है, अरे भाई जब फॉरेन में तो इंडिया में क्यों नहीं हो सकता। और जैसे मैं हमेशा कहता आ रहा हूं कि आज हमारे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो इंडिया को लीडर बनाए हुए हैं हर चीज में। हमने G20 किया तो कॉपीराइट फील्ड में क्या इसरा लीडर नहीं बन सकता, क्या इसरा सिंगर्स और म्यूजिशियंस के लिए आगे नहीं बढ़ सकता, उनके लिए नहीं रख सकता। सो वी हैव टू बी लीडर्स। अगर फॉरेन में किसी आर्टिस्ट को पैसा मिल रहा है तो इंडिया में क्यों नहीं मिल रहा है, और ये काम जो है ये इसरा ने कर दिखाया है, ऑल बिकॉज ऑफ द दृढ़ संकल्प ऑफ ऑल द जेंटलमैन सिटिंग हियर ऑन द स्टेज एज वेल एज आई सेड ऑल द अदर पीपल हु हैव नॉट बीन एबल टू कम टुडे बिकॉज ऑफ द प्री ऑक्यूपेशन। 2012 के बाद 2013 में चूंकि कानून बन गया था तो हमने अपने आप को एज अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी किया, हम कोई ट्रस्ट नहीं है इसरा, कोई मेरी, अनुप जी की, सोनू जी की, ईशान जी की या किसी की भी नहीं है, ये एक कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, इसमें शेयर कैपिटल नहीं है, कोई शेयर होल्डर नहीं है, मगर हम सब उसके मेंबरान हैं। तो हम सेक्शन 8 कंपनी है, कॉपीराइट एक्ट, कंपनीज एक्ट में कहा जाता है, तो हमने अपने आप को रजिस्टर करवाया अंडर द कंपनीज एक्ट। फिर हमने रजिस्टर करवाया हमारे आप को एज अ कॉपीराइट सोसाइटी, और आपको ये जान के खुशी होगी कि वी वर द फर्स्ट कॉपीराइट सोसाइटी टू बी रजिस्टर्ड इन इंडिया। उसके बाद IPRS हुआ, उसके बाद दूसरे हुए हैं, मगर वी वर द फर्स्ट कॉपीराइट सोसाइटी टू बी रजिस्टर्ड
ऑन 14 जून 2013। और ये देखिए इतनी उत्साह से हमारी पहली एजीएम हुई थी 5 सितंबर 2013 में, और फिर अक्टूबर 2013 में हमने अपना ऑफिस बनाया। 2013 के साल में हमने सब मेंबरों को जुड़ना शुरू किया। ये एक बड़ा काम था हमारे लिए, क्योंकि वी आर इंडियन सिंगर्स राइट सोसाइटी। हम केवल बॉम्बे के नहीं है, हमको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सेंटर सब जगह के सिंगर को साथ में लेके चलना है। तो ये जो हमारे प्रधानमंत्री का कहना है सबका साथ सबका विश्वास, वो हमने काम 2013 में शुरू कर दिया था कि सबका साथ होना चाहिए तभी सबका विश्वास होगा, और सबका विश्वास जीतेंगे तो ही सबका विकास होगा। तो इस वजह से ये काम हमने 2013 में किया, और हमारे मेंबर पूरी इंडिया से सारे लोग बन गए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट एवरी जॉनर, वेदर इट इज क्लासिकल, वेदर इट इज फिल्म, वेदर इट इज डिवोशनल, वेदर इट इज सूफी, एवरीथिंग डजंट मैटर, म्यूजिक इज म्यूजिक, सिंगिंग इज सिंगिंग। उसके बाद हमने 2013 में सारे लोगों को लव लेटर्स देना चालू कर दिया। ये देखिए पिज़्ज़ा हट, वाईकॉम, यूट्यूब, सबको लव लेटर्स दिए कि भैया आप हमारे सिंगर का गाना बजा रहे हैं, पैसे दीजिए। बिग एफएम, प्रसार भारती, ये सबसे शुरू हो गया। मगर आसान नहीं है किसी के जेब से पैसा निकालना, स्पेशली आर्टिस्ट के लिए। इंडिया में ये है म्यूजिक इज फ्री, हम दारू का पैसा दे देंगे, हम खाने का पैसा दे देंगे, हम सब पैसा दे देंगे, हम एक्टर को पैसा दे देंगे आने का, वहां आके नाचने का, और किस पे नाचने का, ऐसे ऐसे नहीं, गाने पे नाचने का जो गाना हमने गाया है, ठीक है, मगर उस गाने का पैसा नहीं देंगे, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो ये सब हमने अपोज किया, ये सब हमने क्लेम करना शुरू किया लोगों से कि नहीं, नाउ दिस नॉनसेंस वोंट बी देयर, यू हैव टू पे फॉर व्हाट यू प्ले। एंड हमने हमारी पहली रॉयल्टी जो है वो 2014 में आई थी, मुझे आज भी याद है, गाना था लज्जा गले, rediff.com ने उस पर एडवर्टाइजमेंट बनाया, तो मैंने बोला तुम्हें लज्जा गले करना है, लज्जा गले कर लो, लगो गले, मुझे पता नहीं, मेरे को पैसे से गले लगने दो। और उस टाइम पर मैंने फिर हमारे रेट के हिसाब से 1,00,000 रुपए उनको चार्ज किया था, वो IPL मैच में बजा रहे थे, एंड rediff paid us. So that was one of the first major victories that we did. We got that license and the first royalty for singers was paid to Israel. And then of course 2014 mein humne membership par kiya. Sabse pehla kaam humne kiya ki humne apne aap ko world bodies se jodna shuru kar diya. Kyunki hum akele nahi reh sakte, humko puri duniya ke saath chalna hai. To world body ka jo association hai called SCAPR, uske saath hum jude. उसमें 52 कंट्रीज हैं और 52 कंट्री सोसाइटीज हैं हमारी जैसे, तो हम उससे जुड़े 2014 में। और उसके बाद मैंने काफी ऐसे कॉपीराइट सोसाइटीज के साथ बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट्स शुरू कर दिए। तो सबसे पहला हमने शुरू किया था आयरलैंड के साथ, फिर अभी हमने जैसे मैंने कहा कि हमने US, UK, कनाडा, स्पेन, जापान, सब जगह से हमने रेसिप्रोकल अग्रीमेंट किए हैं। और ये बात मुझे बात जहां बताकर खुशी होती है, क्योंकि ये जब मैंने पीयूष गोयल जी को बताई थी तो बड़े खुश हुए थे कि सर ये दुनिया में कितना भी वॉर चलता रहे मगर इसरा एक म्यूजिकल सोसाइटी है और हमने म्यूजिक को कायम रखा है इस वर्ल्ड के दौरान भी, वो इस वजह से क्योंकि रशिया और यूक्रेन दोनों लड़ रहे हैं मगर दोनों के साथ मेरे ताल्लुक हैं, क्योंकि इसरा का अग्रीमेंट यूक्रेन के साथ भी था और रशिया के साथ भी था। हम उनके आर्टिस्ट को भी इंडिया में प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो हमारे आप सब लोग आर्टिस्ट को वो अपने कंट्री में रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो वो लोग लड़ रहे हैं मगर हम दोनों के साथ रिश्ता मेंटेन करके रखे हैं इक्विडिस्टेंट का, जैसे जो हमारे। और इस तरीके से हमने 17 सोसाइटीज के साथ अग्रीमेंट्स कर रखे हैं। अब ये 17 सोसाइटीज में से हमको रॉयल्टीज मिलना शुरू हो जाएगी, ये तब मिलेगी जब हम इनको गाने देंगे कि ये गाने इंडियन सिंगर्स ने गाए हैं, हमारे मेंबर्स ने गाए हैं। और ये देख लीजिए ये सब जो है ये हमारे सारे अग्रीमेंट्स हैं अभी मेरे साथ पूरे वर्ल्ड में, US, UK, कनाडा, साउथ अफ्रीका, स्पेन, जापान, नेदरलैंड, स्वीडन, ब्राजील, रशिया, यूक्रेन, इटली, आयरलैंड, कजाकिस्तान, पोलैंड, जॉर्जिया, मोल्दोवा, और अब इसमें और जुड़ने वाले, ये तो 17 है, मेरा टारगेट है 52।
तो अभी बहुत आगे बढ़ना है, बहुत तय करना है रास्ता। तो इसमें से 2015 में जब हमने शुरुआत तो कर दी थी 2013 में, मगर भाई जेब खाली थी। अब ये था कि भाई इसको शुरू कैसे करें, आगे कैसे ले जाएं। तो ये जितने भी आप देख रहे हैं यहाँ पे, सोनू जी हैं, अभिजीत जी हैं, कैलाश जी हैं, अलका जी थी और आदित्य था और अदिति सिंह थी, हम सब ने ये देखिए एक फंड रेजर किया था। और मैं इन सबका शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने एटलीस्ट ये सीड मनी इकट्ठा करने में कोई मदद की इसरा की, और तब जाके इसरा शुरू। वरना पैसे तो प्यून के लिए भी नहीं थे कि प्यून की सैलरी भी दी जाए। तो ये एक हमने शो किया था, यहां से हमने शुरू किया। और मगर जब हमने ये शुरू किया तो हमको लिटिगेशन में भी जाना पड़ा, कोर्ट में करना पड़ा, क्योंकि जितने भी यूजर्स हैं रेडियो स्टेशंस, रेडियो स्टेशंस कहते हैं कि वो म्यूजिक का प्रचार करते हैं, कद्दू करते हैं। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को वो कहते हैं प्रचार करते हैं, आपका इंटरव्यू लेते हैं, वाहवाही लेते हैं, रेडियो सो एंड सो इज डूइंग दिस, सो एंड सो इज डूइंग दिस, बट फैक्चुअली रेडियो स्टेशंस कहती हैं ये मैं कह रहा हूं रिकॉर्ड पे प्रेस हाउस को, कहती हैं कि सिंगर को रॉयल्टी नहीं मिलनी चाहिए। शर्म की बात, रेडियो स्टेशंस का रॉ मटेरियल गाने हैं, और वो गाने का जो प्रोड्यूस प्रोडक्शन जो है, जो उसमें गाने में लगे हुए हैं, चाहे वो कंपोजर हो, सॉन्ग राइटर हो, सिंगर हो, म्यूजिशियंस हो, उनको रॉयल्टी नहीं देंगे। तो ये एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है इंडिया में, मगर अब हाँ अब जो है इंडस्ट्री एक हुई है, सबको पता है कि हमने ये अग्रीमेंट किया है म्यूजिक कंपनी के साथ, तो अब म्यूजिक कंपनीज और सिंगर्स एक हो चुके हैं। अब हम ये युद्ध फिर से शुरू करेंगे और अपना हक लेके रहेंगे, चाहे कोई भी हो। फिर हम पूरे इंडिया में फैल गए थे, सारी कंट्री में से हम शुरू कर दिए थे कि भैया रेडियो, होटल, रेस्टोरेंट्स, डिपार्टमेंटल स्टोर सबसे पैसे इकट्ठा करना। और हमें दो जजमेंट्स भी मिले दिल्ली हाईकोर्ट से। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि कहीं भी अगर सिंगर का गाया हुआ गाना कहीं भी रेस्टोरेंट, होटल, कहीं भी बज रहा है तो उसको सिंगर को रॉयल्टी देनी पड़ेगी टू इसरा। ये दो जजमेंट्स के बावजूद ये सारे लोग कह रहे थे कोर्ट ने कहा होगा, सुप्रीम कोर्ट तक ले जाओ तब हम देखेंगे। अब आपको पता है सुप्रीम कोर्ट तक जाने में वक्त लगता है, पैसा लगता है। एक एक लॉयर जो है वो 50 लाख रुपए एक हियरिंग के लेता है, और 20 से 50 हियरिंग होती हैं, तो उसमें तो हम बिक जाते हैं। तो उनको भी मालूम है कि इनके पास पैसा नहीं है, इस वजह से वो लोग भी इस चीज का नाजायज फायदा उठाते हैं, मगर अब नहीं। फिर हमने पहली रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूशन करी हमारे मेंबरों को 2017 में। 2017 में पहला रॉयल्टी चेक्स हर एक इंसान को गया। और इसमें एक चीज जो हमको पता लगी कि एक वर्ल्ड ट्रीटी होती है जिसका नाम है WPPT, वो इंडिया ने साइन ही नहीं करी थी, तो उस वजह से फॉरेन से हमको पैसा नहीं आ सकता था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, आज की प्रेजेंट मिनिस्ट्री ने हमारा बहुत सहयोग दिया और ये ट्रीटी साइन हुई। साइन होने के बाद ही हम इस पोजीशन में आए कि अब हमको रॉयल्टीज मिला करेगी फॉरेन कंट्रीज के साथ भी। और फिर हमने चैप्टर्स बनाना शुरू कर दिए, क्योंकि बॉम्बे से अगर हम करेंगे तो हम सेंट्रलाइज्ड इंस्टीट्यूशन कहलाएंगे, और सारे स्टेट्स के सिंगर्स अलग अलग हैं, उनकी अलग अलग समस्याएं हैं, उनके अलग अलग तरीके हैं बात करने के, बोलने के, समझने के, तो हम हर वक्त नहीं मिल सकते। तो हमने चैप्टर्स बनाने शुरू कर दिए, और इसमें हमने पहले तमिलनाडु चैप्टर बनाया, फिर केरला चैप्टर बनाया, फिर हमने गुजरात चैप्टर बनाया, कर्नाटका चैप्टर बनाया, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना चैप्टर बनाया। तो ये सब चैप्टर्स जो हैं ये हमने बनाए। और आ गया 2019, जब हमने शुरू करा तो हमने देखा कि सब लोग ये कह रहे हैं कि भाई हमने म्यूजिक कंपनीज को पेमेंट कर दिए तो हम आपको क्यों पेमेंट करें, वाजिब है।
तो हमने सोचा चलिए हम म्यूजिक कंपनी से बात करते हैं कि क्यों ना हम एक हो जाए और ये चीज को मार्केट से, मार्केट का ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करें। तो हमने 2019 में म्यूजिक कंपनी से बातचीत करना शुरू करी, म्यूजिक कंपनी ने हमसे बातचीत करना शुरू करी। ये हम सबका सौभाग्य है, इस दौर का सौभाग्य है कि ये बार म्यूजिक कंपनीज में सही लोग सही सीट पे मिले और उन्होंने बातें बड़ी अच्छी तरीके से हुई। मगर 2019 से हमें 2022 लग गए एक कंक्लूजन पर पहुंचने में, 3 साल लग गए। जो 70-80 साल में नहीं हुआ इंडस्ट्री में वो 3 साल बाद होने जा रहा था 2019 में, क्योंकि हमारा मेन मकसद ये था कि हम एक हो, एक मुट्ठी बने, क्योंकि अगर मुट्ठी बनेंगे तो यूजर लॉबी जो है, यूजर लॉबी तभी हमको हमारा हक देगा। क्योंकि यूजर लॉबी म्यूजिक कंपनी को कहता है अरे यार आपको क्यों दें, हमको तो म्यूजिक डायरेक्टर को भी देना पड़ता है, लिरिक राइटर को भी देना पड़ता है, सिंगर को भी देना पड़ता है, म्यूजिशियन को भी देना पड़ता है, तो आपको किस बात की दें। और हमसे वही बातचीत उल्टी करता है कि हमको तो म्यूजिक कंपनी को देना पड़ता है तो हम आपको क्यों दें। तो ये जो खेल है उनका, जब हमने समझा तो हमने कहा ठीक है बेटा बैठो हम एक हो जाते हैं, फिर तुम एक ही जगह देना। इसी सिलसिले में 2 हफ्ता पहले ही हमारे मंत्री साहब ने बहुत घोषणा करी, एक अच्छी चीज की पब्लिक उसमें, जिसमें हमारे चेयरमैन साहब को उस कमेटी का चेयरमैन बनाया, अनूप जलोटा जी उसके कमेटी के चेयरमैन है। ये कमेटी गवर्नमेंट ने बनाई है जिसमें निवेदन है कि ये जो प्रॉब्लम है आप लोग भी फेस करते ही हैं। हमेशा कई लोग के मुझे फोन आते हैं कि यार एक मेरा शो हो रहा है उसमें पीपीएल भी पहुंच जाता है, आईपीआरएस भी पहुंच जाती है, इसरा भी पहुंच जाता है, आरएमपीएल भी पहुंच जाता है, फलाने भी, नोवेक्स भी पहुंच जाता है, तो ये क्या है, 5 लोगों को पेमेंट करना मतलब 5 लाख रुपए देने हो जाते हैं, उतना तो मेरा फीस नहीं है। तो ये चीज को स्ट्रीमलाइन करने का जो कार्य है वो हमारे मंत्री साहब ने अनूप जी को दिया है, और जिस हिसाब से अनूप जी ने ये एकता कर बनवाई सिंगर्स और म्यूजिक कंपनी में, उसी तरीके से आप ये भी कर देंगे। तो मैं चाहूंगा कि पहले अनूप जी को दो शब्द इस पे कहें, क्योंकि चेयरमैन है आप, तो इसको आपको सबको थोड़ा आइडिया देना है कि आप करेंगे क्या। थोड़ा तो संजय जी ने बता ही दिया है कि कोई भी कॉन्सर्ट होता है तो 5-6 ऑर्गेनाइजेशंस पहुंच जाती है जी हमको पैसे दीजिए नहीं तो आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा, आप नहीं कॉन्सर्ट कर सकते। तो वो बात हम लोगों ने गवर्नमेंट तक भी पहुंचा दी थी, उनको पता था कि ये ठीक नहीं होगा। तो पीयूष गोयल जी ने ये फैसला किया जो हम लोग कोशिश कर रहे थे बहुत दिनों से कि अब एक ऐसी कमेटी बनाई जाए जिसमें एक ही शख्स जाएगा कॉन्सर्ट से पैसे कलेक्ट करने, सिर्फ एक, और वो उनसे लेके आएगा। हम अब कितना लेना है वो भी हम, हमें भी तय करना है। कई जगह तो लोग जाके 2-2, 3-3 लाख रुपए ले लेते थे तो उनकी हालत खराब हो जाती थी। हम कोशिश करेंगे कि अमाउंट भी कम हो क्योंकि फिर वॉल्यूम बढ़ जाएगा, फिर बहुत लोगों से ले सकेंगे। आप ये सोचिए कि अगर हम 25 लाख इवेंट से 10-10 हजार रुपए ले लें तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी, ये हमारी कोशिश रहेगी। तो हम बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई खुशी का कोई प्रोग्राम हो रहा है उसमें पता लगा कि 4 लोग पहुंच गए, और कई बार तो प्रोग्राम कैंसिल करने पड़ते हैं। हमको ऐसी भी खबरें मिली कि उन्होंने कहा नहीं भी हमको करने की ये मुसीबत है तो करने नहीं। तो इन सब चीजों को ठीक करने के लिए हमारे मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने जो काम मुझे सौंपा है उसको हम बखूबी निभाएंगे, बहुत इस पे काम करेंगे। जैसे हमने इसरा को यहाँ तक पहुंचाया है तो ये कमेटी मुझे विश्वास है कि लोगों की तकलीफ जो है वो दूर करेगी। और इसमें मेरे साथ उन्होंने संजय जी को भी रखा है इस कमेटी में, संजय जी भी हैं और भी लोग इसमें आएंगे, उनको जोड़कर फिर हम इसे बहुत आगे बढ़ाएंगे। फिर आ गया कोविड, 2019 के बाद कोविड, और कोविड में देखिए पैसा बिल्कुल नहीं, शोज कुछ नहीं, तो हमें कहां से मिलेगा, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। इट बिकेम अ मैटर ऑफ सर्वाइवल। काफी लोगों ने ये तजवीज दी कि भाई इसरा बंद कर दो,
जितना पैसा बैंक में पड़ा है उसको बांट लो, कोई पता नहीं हम जिंदा रहे ना रहे, आगे दुनिया रहे ना रहे, वेरी नेगेटिव एटीट्यूड। तो मगर फिर हमारा बोर्ड स्टूड लाइक ए रॉक सॉलिड एंड वी टुक अ डिसीजन नथिंग डूइंग। Those people who are not seeing eye to eye, not seeing the vision, may please walk out. Otherwise, then we will continue. Because we are Indian Singers Rights Association. We represent entire India. 10-15-20-100 logon ke mentality ke hisab se nahi chal sakti sanstha. It has to be based on a bigger vision. And you see the vision, today we are 50 crores. So that was the whole vision that the board had taken. In spite, in the period of COVID, we were the first one whom the Prime Minister's office contacted to entertain people in the country. And we were the ones who did the first online concerts in India on 12th, 13th and 14th of April 2020. And all of the 18 leading luminaries of the singing world took part in the 3-day event. And it garnered 34 crore rupees for the PM Care Fund. And then again, I think once you have all the artists under one roof like this, then of course the officers also wanted something more. And then they requested that we have one big anthem, or rather sung by various singers, and we made history by having 211 singers singing a song that was played before, Jai Tulavel Tu Bharat, which is a record that has been established. And I thank all, each of those 211 singers who took part in this particular Jai Tu Jai Tu Bharatam, which was composed by Shankar Mahadevan and written by Prasoon Joshi. I am thankful to them to have done this job within 3 days. You know, we had told them and they did it in 3 days. And yes, mind you, ये गाना रिकॉर्ड हुआ किसी स्टूडियो में नहीं, सबने अपने अपने सेल फोन पर रिकॉर्ड करके अपनी अपनी वीडियो भेजी, अपने अपने वॉइस भेजी, और उस पर वीडियो बनाने वाला अहमदाबाद में बैठा था, सिंगर्स अपने अपने घर पे बैठे थे विदाउट मैनेजर्स एक्सेट्रा, एंड द ऑडियो थिंग वॉज बीइंग मिक्स्ड इन चेन्नई। अ वेरी ग्रेट रोल वॉज प्लेड बाय श्रीनिवास जी, हु इज अ मेंबर, हु वॉज बोर्ड मेंबर अर्लियर, and he made this particular thing possible of the mixing in sitting there in Chennai. And here are the figures, just for the figure's sake, I don't believe in this, but just for the figure's sake, it was the 18 legendary artists with having 25 crore plus views, 23 crore plus media coverage, 40 plus broadcast platforms carried this, and 63 crore social media impressions were done in the 3 days for Jai Tu Jai Tu Bharatam. And then, after COVID, we still carried on with our vision, with our purpose of becoming one. And then, in October 2022, the music industry, there was a historic event that happened, which was the music, all the music companies in India, and all the singers and musicians in India, signed an agreement to become one, to fight for one. And in this, a great amount of role was played by Anup ji, jinhone ye chhalang mari, humko taakat di ki ye chhalang le lo, hum log to piche pakde ja rahe the ki abhi nahi, abhi nahi, abhi nahi, but he did it. So a great thank you to Anup ji. And a major part was also played, though Sonu ji aise baithe rehte hain chupchap, magar ye bahut kaam karte hain. So great thank you to Sonu ji to have really lent that particular support. And at the end of it all, it was really very, very pacifying that, oh, we did it. So this was for the first time ki singers and music companies, hum hamesha ye kehte hain music company chor hai, music company ne hamara paisa khaya hai, music company ye kar rahi, music company humko royalty nahi de rahi, ye hota hai. This was the accord which actually has attempted to lay to rest everything. Chaliye wo chahiye khatam, ab hum dost hain, bhai hain, ab hum milkar kaam karenge, हम मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जो है वो उपाय बढ़ाएंगे, क्योंकि जब हम ऑपोजिट साइड में होते हैं तो हमको दूसरी साइड का दिखता नहीं है. अब हमने जब देखा तो हमको ये भी पता लगा है कि जैसे फॉर एग्जांपल YouTube एक अमेरिकन आर्टिस्ट को फर्ज करिए 100 रुपए देती है,
अगर YouTube फॉरेन आर्टिस्ट को 100 रुपए देती है, इंडियन आर्टिस्ट को 1 रुपए देती है। इंडियन आर्टिस्ट मतलब आर्टिस्ट नहीं, म्यूजिक कंपनी। म्यूजिक कंपनी, मैं तो हंस के म्यूजिक कंपनी को कहा चलो कोई तो आए तुमको दबाने के लिए, तुमने बहुत सारे साल आर्टिस्ट को दबाया, इतना फर्क 19-20 नहीं है। हाँ, तो अब जरूरत इस बात की है, म्यूजिक कंपनीज आर ऑल्सो सफरिंग, अब हम उनके साथ जुड़ेंगे। तो आप लोग की फोटो वोटो तो बहुत कम कर लेते हैं savangana.com, बिलियन व्यूज एंड ट्रिलियन व्यूज, एंड ये है आई लव गावना, आई लव सावन, इस तरीके से। पैसे किधर है यार? और आप समझते हो बिलियन व्यूज हो गया मतलब म्यूजिक कंपनी को सारा करोड़ रुपए पहुंच गया होगा? नहीं, अनफॉर्चुनेटली ये बात नहीं है। तो हमको साथ में उनके अब लड़ना है और ये वैल्यू बढ़ानी है। और म्यूजिक कंपनीज का भी कहना सही है कि सर अगर ये वैल्यू बढ़ दी तो हम रेडी हैं आपको देने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये जो हमने अग्रीमेंट किया है वो ये किया है कि 25% आर्टिस्ट को मिलेगा, मगर वो पाई टू इंक्रीज हो। नंगा क्या नहाए क्या निचोड़े, ये हालत है म्यूजिक कंपनी की। So that is the reason we have this historic, beautiful agreement that now stands, or this has therefore led, and our minister, Sri Piyush Goyalji, to have made this announcement, and in April he had come to bless this, and we had the entire music industry and the entire leading singers of the country there to bless that occasion and commemorate this particular historic moment in the history of our musical country. अब यहाँ तक हम गाड़ी ले आए, इसके बाद हमने जो काम किया हमको करना पड़ रहा है कि वो काम कब कर रहे हैं, कि हमने वादा किया इस दिन पीयूष जी के साथ वादा किया, पीयूष जी ने भी जो हमको सजेशन जो दे रहे थे उनकी विश थी कि इसमें सिंगर्स के साथ साथ म्यूजिशियंस भी जुड़ने चाहिए, म्यूजिशियंस को भी उनका हक मिलना चाहिए, म्यूजिशियंस को भी उनकी रॉयल्टी मिलनी चाहिए। और हमने हाँ हामी उनको बोली, हमने उनको प्रॉमिस किया, और आज इसीलिए आज हम इकट्ठा हो रहे हैं। ऑफिशियल अनाउंसमेंट अबाउट इंडियन सिंगर्स राइट्स एसोसिएशन जो इसरा थी, क्योंकि सिंगर्स ने शुरुआत की थी, उसमें अब म्यूजिशियंस ज्वाइन हो रहे हैं, तो इस वजह से नाउ वी आर गोइंग टू चेंज इट इनटू इसाम। दिस इज आवर न्यू लोगो। एक गाना बनता है तो उसमें किसका किसका सहयोग होता है, केवल सिंगर से भी नहीं बन सकता, केवल लिरिक राइटर से नहीं बन सकता, केवल म्यूजिक डायरेक्टर से नहीं बन सकता, और केवल म्यूजिशियन से भी नहीं बन सकता। जब सब मिलके एक गाना बनाते हैं तो मिलके उनका हक भी है कि सबको रॉयल्टी मिले। पहले तो ये था कि वह लिरिक डायरेक्टर और म्यूजिक डायरेक्टर गाना बनाते हैं, बाकी कोई नहीं बनाते, ऐसा तो बिल्कुल सच नहीं, ऐसा कैसे हम लोग मान लें। तो धीरे धीरे उसमें हमने सिंगर को जोड़ा, वो भी बात मान ली गई। फिर हमको लगा कि इसके साथ साथ तो इतना अच्छा सितार बजा रहे हैं, इसमें इतनी अच्छी बांसुरी बजा रहे हैं, इतना अच्छा गिटार बजा है, अब सोचिए जगह दम मारो दम में अगर वो पीस ना हो, डंग 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 डंग, तो गाना जो है वो पता ही नहीं लगेगा कौन सा गाना शुरू हो रहा है, उससे पता लग जाता है कौन सा गाना शुरू हो रहा है, कितना अच्छा वो बजाया है, कंपोज तो किया ही अच्छा, लेकिन उसको वो भूपेंद्र जी ने बजाया। भूपेंद्र जी बहुत अच्छे गिटार प्लेयर थे, उन्होंने आरडी बर्मन जी के बहुत से गानों में गिटार बजाया है, चुरा लिया है तुमने, तो ग्रेट गिटार प्लेयर। उन दिनों जब स्टेज पे उनके परफॉर्मेंस होते थे, जब वो बॉम्बे नहीं आए थे, तो वो गिटार की परफॉर्मेंस करते थे, गाते भी थे तो गिटार बजाते थे। उसके बाद उन्होंने गाना शुरू किया, यहाँ आके उनके उस गाने को आरडी बर्मन जी ने पहचाना और उनकी पहचान बन गई, जितने बड़े उससे बन गए। तो ऐसे और भी न जाने कितने, रईस खान साहब ने मदन मोहन जी के कितने गानों में बजाया, भैया ना धरो सब उनका बजाया हुआ,
हरि प्रसाद चौरसी जी ने कितने पीस बजाए हैं, शिव कुमार जी ने जहां जहां कश्मीर नजर आता है शिव जी का संतूर बजता है। तो ये सब चीजें इन लोगों ने की हैं, तो इनको हक मिलना चाहिए। अगर हम लोग एयरपोर्ट्स पे जाते हैं तो संतूर बज रहा है, फ्लूट बज रहा है, कोई सितार बज रहा है, अब उसका उनको कुछ मिलना चाहिए। तो अब जो ये इसरा ने काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है, इसके लिए हमको हमारे मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने भी बहुत सहयोग दिया, उन्होंने कहा ये काम होना चाहिए और इसमें इन सब को आप इंक्लूड कीजिए। तो हम सब ने अपने बोर्ड मीटिंग में ये फैसला लिया कि ये बिल्कुल होना चाहिए, उनका वो हक होना चाहिए जो इंटरनेशनली है, फॉरेन में है, अमेरिका में, इंग्लैंड में, जो म्यूजिशंस हैं जो इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं उनको उनका हक मिलता है, उनका जितना परसेंटेज है वो परसेंटेज हमने यहाँ भी रखा है और उनको हमेशा मिलेगा। और मुझे इसकी बहुत खुशी है कि हमने इसरा का नाम इसाहरा किया है, आप सब ने उसको स्वीकृत किया, मुझे इसकी बहुत खुशी है। और अब हम आगे चल के जिसके जिसके जो हाथ पर होंगे उनको वो देंगे, इसके लिए आप सबके सहयोग का शुक्रिया। मैं इतना कहना चाहूँगा कि संजय जी और अनूप जी बहुत ही समझदार, बहुत ही बैलेंस्ड, बहुत ही स्पष्ट, इनका जो जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, और यकीन मानिए ये आसान काम नहीं था जो लोगों को, क्योंकि बहुत लोगों की एक हायर की भी होती है, लोगों को लगता है हम बड़े हैं या हम कमांड की पोजिशन में हैं, हम बताएंगे कितना देना है, क्या करना है, क्यों देना है। तो बड़ा मुश्किल होता है कि इतने सारे लोगों को प्यार से समझदारी से हैंडल कर लेना, फिर मिनिस्टर्स को इन्वॉल्व करना। मैं उसमें हिस्सा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें संजय जी और अनूप जी का बहुत बहुत अकलमंदी से, बहुत बैलेंस से सब लोगों को जोड़ जोड़ के इन्होंने किया है, मैं इसका गवाह हूँ। सो संजय जी और अनूप जी वेरी वेरी वंडरफुल, आप लोगों ने सबको जोड़ा है, बहुत अच्छा, एंड भगवान इसको यहाँ तक लेकर आया है, आने वाले लोग इस पर, आने जनरेशन को इससे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। हमने काफ़ी लोगों की का मार्ग आगे से प्रशस्त कर दिया इस चीज़ से। डिसीशन हुई है कि इसरा से सामना हुआ है, अभी तक हमें कहने में थोड़ी सी अभी तक हिचकिचाहट हो रही, क्योंकि सालों से आप इसरा इसरा कहते आए हैं, लेकिन इस साम्राज्य, इस साम्राज्य के जो आप हमारे हिस्सेदार हुए हैं, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं नीलाद्री कुमार, मैं पहले संजय जी, अनूप जी, सोनू भाई, शाल भाई और जितने भी हमारे बोर्ड मेंबर्स हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूँ जो उन्होंने ये एक ऐसा डिसीजन लिया जो शायद इसके पहले किसी ने नहीं लिया हो, जो म्यूजिशियंस को इन्वॉल्व करे कोई भी, पैसा है म्यूजिशियंस को इन्वॉल्व करें, ये पहले हिंदुस्तान में शायद नहीं हुआ है। तो ये पहली पहल कर रहे हैं और इट इज़ लाइक वॉकिंग अगेंस्ट द टाइड एंड यू नीड ऑल द लव, हेल्प एंड ब्लेसिंग्स ऑफ ऑल द मेंबर्स एंड पीपल हु आर नॉट द मेंबर्स टू बी एबल टू वॉक दिस पाथ। एंड आई थिंक इट इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव एंड आई फील ऑनर्ड एंड हम्बल्ड टू बी। लेकिन जब आपने कहा था ना रेडियो स्टेशन वाले हमारे बारे में सोचते, फिर आप लोगों ने कद्दू सोचते हैं, तो लेकिन हम तो यही सोचते हैं कि कद्दू घटेगा तो सब में घटेगा। सब में बताए, अब अमाउंट इंडिविजुअली कम ज्यादा अलग बात है, लेकिन एक बात से खुशी है कि एवरी वन इज अ पार्ट ऑफ इट। कोई ऐसा नहीं है कि किसी को लगे कि यार ये लोग अपना कर रहे हैं, हमें अलग रखा है, या तो चाहे फीचर सिंगर्स हो, नॉन फीचर सिंगर्स हो, जो आज के सिंगर्स हैं, जो पास सिंगर हैं, जिनके यू नो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हमारे साथ, एवरीवन इज कवर्ड। सो इट्स अ वेरी फेयर एंड अ वेरी ऑनेस्ट। अब कद्दू के साइज पर डिपेंड करता है, कद्दू लाने की बात, जितना भी मिलेगा सबसे बढ़ेगा, ये कन्फर्म है। ठीक है, वो कद्दू लाना मेरा काम है सर। एंड आई एम आल्सो वेरी हम्बल्ड एंड वेरी वेरी लकी, आई फाइंड माय सेल्फ एज वेरी लकी इन दिस रोल
to have to start off this particular such a melodious journey. Melodious from the point of view, it really gives a great heart to me. I'm very pleased to see that now musicians will also start getting royalties in addition to the singers. Singers also were getting royalties, but I'm more happy because they'll get more money now. And so the royalties that are now going to go to singers and musicians will be at least at par with what is happening elsewhere in the world. So I'm so finding myself lucky and blessed by God. So I thank God and I thank all of you for the support that you all have shown. And I wish that all more musicians become members and they take their royalties from Isamra henceforth. Still coming to terms with the fact that I'm sharing this dais with such legends in the industry. But I think the regional, of course, I'm Ranjit, I'm KG Ranjit. I'm a singer from the south. I've sung in Tamil, Telugu, Malayalam and Kannada movies. And of course, music has no language. It doesn't really have any region. But of course, this is for the convenience of including more people. Like Sanjay ji rightly said, it's a very inclusive space and I'm really happy that I'm here representing हमारी ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।